धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नवशिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जायसवाल 9709611005829294312626। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं आइए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरें। एनटीपीसी का तटबंध टूटा, 4 यूनिट से 1420 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप। भागलपुर के एनटीपीसी कहलगांव के 3D एस डाई का तटबंध टूट गया है, जिसके कारण एनटीपीसी के 7 यूनिट से 4 को बंद करना पड़ा है। यही नहीं, 1420 मेगावाट का उत्पादन ठप हो गया है, एक यूनिट पहले से ही बंद था। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, 25% ही काम कर रही है किडनी, मानसिक तनाव भी बढ़ा। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। शनिवार का दिन मुलाकातियों का होता है, पर 3 लोगों से मिलने की अनुमति के बावजूद भी उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं किया। सीआरपीएफ ने ध्वस्त किया नक्सलियों का बंकर, 250 कारतूस बरामद। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से नक्सलियों के 200 राउंड के अधिक साइंस में जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि माओवादी और नक्सली कमांडर अरविंद यादव का अपने दस्ते के साथ जंगल में होने की सूचना मिली थी। इसके साथ ही कोबरा के जवानों ने और पुलिस बल ने सर्च अभियान शुरू कर दिया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, आज से सेवा शुरू। पटना के स्पाइस जेट की पहली फ्लाइट बेंगलुरु से दरभंगा पहुंची, जिसमें कई यात्री सवार थे। पहली यात्रा करने वाले यात्री काफी खुश नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। मांझी का एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, उठाए कई सवाल। एनडीए की साथी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। मांझी ने एग्जिट पोल पर कई सवाल उठाए हैं। हम पार्टी प्रमुख मांझी ने कहा है कि एग्जिट पोल खुद अपने आप में संदेहास्पद स्थिति में है। जैसे दानापुर से जेडीयू को चुनाव जीता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि वहां जेडीयू के प्रत्याशी ही नहीं है। शाहपुर से सीपीआई को चुनाव जीता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि सीपीआई के प्रत्याशी ही नहीं है। ऐसे कई सवाल जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर खड़े किए हैं। सरकार बनने से पहले श्याम रजक का दावा, तेजस्वी के शासनकाल में गोपालगंज मुंगेर की तरह नहीं होगी कानून व्यवस्था। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद आरजेडी के नेता गदगद हैं। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो किस तरह की कानून व्यवस्था होगी, इसकी भी परिकल्पना नेताओं ने कर ली है। आरजेडी उम्मीदवार पर एफआईआर का आदेश, पार्टी का सिंबल लेकर पहुंचे थे मतदान करने। आरजेडी उम्मीदवार मतदान करने के लिए अपने बूथ पर पार्टी का सिंबल लगाकर पहुंचे थे। सिंबल लगाकर ही मतदान किया और मीडिया से भी बात की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और डीएम को करने का आदेश दिया। तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को जताया, चुनाव परिणाम के दिन ये काम किए तो बर्दाश्त नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गया है। वहीं राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलते दिखाया गया है। ऐसे में जहां राजद खेमे में खुशी की लहर है, वहां एनडीए खेमे में चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि वास्तविक नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को बढ़त मिलने वाली है। रिपोर्ट के बाद लालू परिवार में खुशी की लहर। राजद ने चुनाव परिणाम को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को खास एहतियात बरतने का निर्देश भी दिया है।
बिहार में फिर मिले कोरोना के 801 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,22,612। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 801 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़कर 2,22,612 हो गई है। फिलहाल बिहार में 7,564 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। माई समीकरण के साथ न्यू जनरेशन पड़ा अनुभवी नीतीश पर भारी। एग्जिट पोल में आई तेजस्वी की बारी। बिहार चुनाव के नतीजे एक के बाद एक धड़ाधड़ आने लगे हैं। टीवी स्क्रीन की ब्रेकिंग न्यूज पर ब्रेकिंग प्लेट टूटने की हर आवाज से तेजस्वी सत्ता के नजदीक नजर आने लगे हैं। सोशल मीडिया की साइड हर साइड पर तेजस्वी को बढ़त दिखाई देने लगी है। पक्ष विपक्ष के साथ बिहार में खबर आग की तरह फैल गई है। इस बार तेजस्वी तय है, लेकिन असली नतीजे के लिए 10 नवंबर का इंतजार है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।